हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ यूपी टेट का 2013 का ओरिजिनल पेपर, उत्तर प्रदेश टेट एग्ज़ाम का। टेट की तैयारी के लिए मैं आपको बार बार तैयारी करा रहा हूँ और मेरे लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। मेरा लाइव कोर्स सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे चलता है। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन लाइव कोर्स को। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ जीके ट्रिक्स, हिंदी ट्रिक्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा के क्वेश्चन से। ये यूपी टेट का ओरिजिनल 2013 का पेपर है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अकल की दुम, आबनूस का कुंदा, दांत काटी रोटी, इनमें से आस्तीन का सांप सबसे ज्यादा सही है कपटी मित्र के लिए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होता है? जो इंद्रियों को जीत ले वो कहलाता है जितेंद्रिया। जितेंद्र आपने नाम सुना होगा, जितेंद्रिया, जो इंद्रियों को जीत ले, जीत ले इंद्रियों को, जितेंद्रिया। पवन का संधि विच्छेद क्या है? कल की लाइव क्लास में मैं आपको संधि विच्छेद भी पढ़ाऊंगा। उस संधि विच्छेद में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 7 की 7 संधियां आप आराम से पहचान सकते हैं। पवन का संधि विच्छेद है पो जमा अन। पौ अयादि संधि है ये, पवन का पो जमा अन होता है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठें, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन आपके ले लिए हैं जो यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए थे। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः जमा जन्म। ये विसर्ग संधि है जिसमें 2 बिंदु लगे होते हैं, वो विसर्ग संधि होती है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यदि ई के बाद कोई स्वर आए और ई के स्थान पर यह हो जाए तो यण संधि। धै के सूत्र इको छियानछी से निर्मित होती है, अतः इत्यादि होगा इति जमा आदि। यह यण संधि का उदाहरण है। इतनी जल्दी शायद संधि आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं इसका आंसर तो बता ही देता हूँ, यण संधि का उदाहरण है। अगर आपने संधि अच्छी तरह तैयार कर पाई है, करी है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। और अगर संधि अच्छी तरह तैयार नहीं है तो कल की क्लास 9 अप्रैल 2020 को अनअकैडमी के ऐप पे मेरी क्लास चलने वाली है। एक लाइव क्लास होगी जो बिल्कुल फ्री है। स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाके मेरे नाम से, डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप उस क्लास को देख सकते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा निकाल लें और मेरे साथ तुरंत जुड़ जाएं उन सब ट्रिक्स को देखने के लिए। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ना मीन्स दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना, बहुत ज़्यादा विनती करना, नाक रगड़ना। उसने नाक रगड़ ली लेकिन उसके पापा ने उसे गाड़ी नहीं दिलाई। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन रोपण करना, रोपण होगा। ज़्यादातर उन्मूलन का उत्थान लगा देते हैं, उन्मूलन और उत्थान सिनोनिम्स हैं, तो उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी। आदिकाल को बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अति सुदो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है? अति सुदो स्नेह को मारग है जहां नेको स्यानप बाक नहीं, ये धनानंद की सूक्ति है। कालंदी का पर्यायवाची क्या है? कालंदी हम यमुना नदी को कहते हैं, काली नदी आपने सुना होगा, कालंदी। ये मथुरा में कहलाती है, आपने कृष्ण जी की कथा कभी सुनी होगी तो उसमें शेष इन्होंने मारा था। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन थे? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा थी अर्धनायक, जो कि बनारसीदास जैन ने लिखी थी। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। देखिए, आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा।
ये तो आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा है, ये हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसका आंसर होगा सही हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के प्रारंभ से ही विधन पढ़ना, कार्य का प्रारंभ नहीं और विधन पड़ गया यानी परेशानी हो गई, इसको कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अगर आप गंजा सिर करा के हैं और ओले पड़ने लगे टका टक, तो क्या होगा, कार्य के प्रारंभ में विधन पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने लिए हैं यूपी टेट का जो 2013 का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह के टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा ऑप्शन सही होगा, उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दूसरा सप्तक, जिसमें 21 कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, ये शमशेर बहादुर सिंह की हैं और इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किसकी रचना की है? दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये कबीरदास जी की रचना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, राम का नाम पढ़ा और सीधे तुलसीदास पे टिक कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है टेट के एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाइए ताकि आप अच्छी तरह से, कभी ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आप गलती ना करें। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पद जो पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड, यानी न्यूज़पेपर। ये एक साप्ताहिक 7 दिन में एक बार निकलने वाला पत्र था। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो 3 भागों में संकलित किया गया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है हिंदी के विकास में, ये बनारस की है और इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, जिसमें 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें प्रेम सागर सबसे प्रमुख है। कई बार प्रेम सागर पढ़ के ज़्यादातर बच्चे इसे मुंशी प्रेमचंद्र लगा आते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मेरे लाइव कोर्स में एक वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर जिनके अंकों में होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8 अप्रैल से मेरी ये क्लास चली है और ये इस अप्रैल में लॉकडाउन के पीरियड में मुझे 20 क्लास ख़त्म करनी है और मैं 20 क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। अगर ये 20 क्लास अच्छी लगेंगी तो हम कंटिन्यू रखेंगे, और 20 क्लास से तुरंत जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें लाइव टेस्ट भी होता है और पहली बार 4 चीज़ें एक साथ, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल जीके की ट्रिक्स आपको बताई जा रही है, वो भी मात्र 1 से 1.5 घंटे में डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग आधारण निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है, जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं जा रही हूँ, तो इसमें क्रिया रहा हूँ और रही हूँ, उससे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा। मैं लड़का भी हो सकता है लड़की भी। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये आपने सुना होगा, इन्हें रट लीजिएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिससे आपको ये ट्रिक अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण कहाँ से होता है? घ का उच्चारण कौन से स्थान से होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। घ का उच्चारण कोमल तालव्य से होता है, यानी तालु भाग से होता है, तो इसका आंसर तालु सही हो जाएगा। ये ट्रिक भी मैंने आपको दी हुई है, किस वर्ण से कौन सा उच्चारण होता है? KTM 2। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे लगभग 600 से ज़्यादा वीडियो फ्री कोर्स में है, उसमें जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 6 क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना होता है? के और स, मैंने आपको बताया कृष, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको,
ये चार वर्ण होते हैं संयुक्त वर्ण। इन संयुक्त वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया, पूरे व्यंजन के बारे में बताया। सबसे पहली कोर्स मेरा है, लगभग 53 कोर्स हैं, उस पहले कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ट्रिक के जो आप द्वारा मैंने बताई थी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ चार शब्द हैं। ए स्पर्श्यता शुद्ध वर्तनी शब्द है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आधा से आता है, पूरा से नहीं आता, आधा से बड़े वाला। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, कवि नहीं होता, कवयित्री होता है, इसका तीसरा ऑप्शन होगा। और ज़्यादातर बच्चे कवि इत्री लगा देते हैं, पहला लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा भी गलत है, तीसरा कवयित्री। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरनी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। तरनी सूर्य को बोला जाता है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुचाए, आपने कहानी सुनी होगी कई बार हिंदी में, तरनी मीन सूरज, तरनी तनुजा तटतमाल। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन कहते हैं मछली को, यानी मत्स्य, मत्स्य भी मछली को कहा जाता है, आपने सुना भी होगा मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, यहाँ भारिया लगे, आत्मजा नंदनी भारिया कन्या में भारिया पत्नी को, जबकि अन्य सब है पुत्रियों के पर्याय हैं। भारिया पत्नी, कन्या नंदनी और आत्मजा, ये सब पुत्री के उदाहरण हैं। अनुपम का पर्यायवाची को क्या है? अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय, अनुपम। कान का कच्चा होने का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये 30 क्वेश्चन आए थे यूपी टेट का सोल्ड पेपर, मैंने आपको दिया 30 क्वेश्चंस आपको दिए 2013 के। आगे मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन आपको दूं लगातार। कान का कच्चा होने का मतलब है सुनी सुनाई बातों का जल्दी विश्वास कर लेना। और अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं अपने अनएकेडमी के प्रोफाइल के बारे में। DRPUNITGOEL सर्च बॉक्स में डालिए, मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लास। लाइव क्लास कैसे मिलेगी? लाइव क्लास मिलेगी सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, ये दो लाइव क्लास मेरी चलेंगी, जिसमें मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स जीके। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना के ऊपर मैंने जीके तैयार किया है, दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कल सुबह 10 बजे आ जाइए 9 अप्रैल को, तुरंत मेरे साथ लाइव आप आंसर भी कर सकते हैं। और जीके ट्रिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं आपको जीके की एक ट्रिक देता हूँ इस वीडियो के एंड में, मतलब जो लाइव क्लास है उसमें, उसे आप सीख सकते हैं। और वोकेबलरी का पोर्शन डेली मैं आपको 25 वोकेबलरी दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ 25 वोकेबलरी अगर आप 30 दिन तक याद करोगे, मल्टीप्लाई करें तो 750 की वोकेबलरी हो जाती है। और अगर 12 महीने करोगे तो कितनी वोकेबलरी हो जाएगी? इतनी वोकेबलरी काफ़ी है। और इंग्लिश रूल्स, 5 इंग्लिश रूल्स मिलते हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ये डिपेंड करता है आप लोग कितने लगातार मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, उस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं आपकी क्लास कितनी लूँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो को देखा और मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, यू आर 5000 एमपी टेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू। तो प्यारे छात्रों, देखिए मैंने जैसे आपको बताया ये अनएकेडमी के बारे में, साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। अपने मोबाइल में यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलिए, आज थोड़ा तो नेट की प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स, A numeral 2 नंबर वाला 2 ZCARERS A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से मेरा चैनल खुल जाएगा। 46,000 मेरी फैमिली में सदस्य हो चुके हैं आप, यानी सब्सक्राइबर। अगर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब का चैनल नहीं दबाया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यूनिक वीडियो मिलती हैं। अभी कुछ बच्चों, अभी मध्य प्रदेश के बारे में, एमपी टेट के बारे में चल रहा है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेले, 10 वीडियो दे चुका हूँ, 10 और बचती हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। साथ साथ बीच में मैं आपको
चाइल्ड पैडागोगी जीके हिंदी की भी वीडियो दे रहा हूँ टेट की तैयारी के लिए, रामबाण इलाज ए टू जेड क्रेश जीके ट्रिक्स पर। और कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना आपको एक क्वेश्चन मिलता है, इसे ज़रूर अटैम्प्ट किया करें, कम्युनिटी बॉक्स का क्वेश्चन, और उसे अटैम्प्ट करके आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितनी तैयारी करते हैं, आपकी करंट अफेयर्स कैसी है। ए टू जेड करियर्स पे मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318, इस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं स्टडीज रिलेटेड, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन। और ये मेरा PDF लिंक है a2zedcareers.widen.io, अबाउट में जाके यूट्यूब में आप इसे खोल सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड की जा सकती है। सिंपली आप इसे ईमेल के जरिए लिंक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से a2zedcareers.widen.io। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।